हेलो फ्रेंड्स, सरल एस्ट्रोलॉजी कोर्स की 19th क्लास में मैं बिंदु शंगारी आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगी वेरिएबल, फिक्स्ड एंड ड्यूअल नेचर साइंस के बारे में, यानी चर, अचर और द्विस्वभाव राशियां कौन सी होती हैं। साथ ही आपको बताऊंगी कौन सी राशि कौन सी दिशा का नेतृत्व करती है। तो यहाँ ये समझ लें कि चर का मतलब चलायमान होता है, जिसमें कोई भी काम शीघ्र हो जाए, जैसे यात्रा करें तो शीघ्र वापस आ जाएं। इसी तरह से फिक्स्ड यानी स्थिर राशि, इसमें जब हम कोई कार्य करते हैं तो ये विलंब से होता है लेकिन स्थायी होता है, जैसे मकान बनाना, नई दुकान खोलना, कारोबार स्टार्ट करना इत्यादि। इसी तरह से द्विस्वभाव राशियां यानी ड्यूअल नेचर साइंस, इनमें मिला जुला प्रभाव होता है चर और अचर राशियों का। इन दोनों की विशेषताएं द्विस्वभाव राशियों में पाई जाती हैं। आइए अब इनकी जानकारी लेते हैं। हमने इन राशियों को तीन हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले फिक्स्ड यानी कि अचर राशियां कौन कौन सी हैं। इस कैटेगरी के अंडर आती हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, लियो सिंह राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। अब बात करते हैं वेरिएबल यानी चर राशियां कौन कौन सी हैं। एरीज यानी मेष राशि, कैंसर यानी कर्क राशि, लिब्रा यानी तुला राशि, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। अब आपको बताती हूँ ड्यूअल यानी कि द्विस्वभाव राशियां कौन सी हैं। जेमिनी मिथुन राशि, वर्गो कन्या राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, पाइसिस मीन राशि। इसी तरह से राशियों की दिशा बताने का तात्पर्य ये है कि जिस राशि में कारक ग्रह बैठे होते हैं उसी दिशा में जातक का भाग्य उदय होता है। उदाहरण के लिए जन्म कुंडली में अगर लग्नेश यानी लगन का स्वामी, दशमेश यानी दसवें घर का स्वामी और नवमेश यानी नौवें घर का स्वामी वृष राशि में है तो जातक का भाग्य उदय दक्षिण दिशा में होगा, क्योंकि वृष राशि दक्षिण दिशा की स्वामी है। आइए जानें कौन सी राशि कौन सी दिशा का नेतृत्व करती है। हमने इन राशियों को चार हिस्सों में बांटा है, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी राशियां ईस्ट यानी पूर्व दिशा के अंडर आती हैं। उसमें है एरीज यानी मेष राशि, लियो यानी सिंह राशि, सेजिटेरियस यानी धनु राशि। अब वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा का जो नेतृत्व करती हैं राशियां, वो इस प्रकार हैं, जेमिनी यानी मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, कैंसर यानी कर्क राशि, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, पाइसिस मीन राशि। इसी तरह से साउथ यानी दक्षिण दिशा का नेतृत्व करने वाली राशियां इस प्रकार हैं, टॉरस वृषभ राशि, वर्गो कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि। तो फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी आज की क्लास। अगली क्लास में मैं आपको जानकारी दूंगी कौन सी राशि कौन से तत्व को दर्शाती है, राशियों से वर्णों की जानकारी कैसे ली जा सकती है, और साथ ही आपको बताऊंगी कि कौन सी राशि किस प्रकृति की होती है। मेरी इस क्लास को इतने अच्छे से सुनने और समझने के लिए मैं बिंदु शिंगारी आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।